मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 39 शतकों के करीब ये आ चुके हैं तीन खिलाड़ी। पहला खिलाड़ी है सबसे करीब। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बनाए गए शतकों के रिकॉर्ड के करीब वे कौन से तीन खिलाड़ी आ गए हैं और वे कौन सा पहला खिलाड़ी है जो कि इन क्रिकेट ऑफ गॉड के रिकॉर्ड को जल्द ही तोड़ने वाला है। तो आपने सुना ही होगा कि रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए, उसी प्रकार से अब भारत के सबसे मशहूर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी खतरे में दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में कुल 463 मैच खेले हैं, जिनकी 452 पारियों में 44.83 की औसत से सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 39 शतक और 96 अर्धशतक ठोके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अब तक का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड माना जाता है, लेकिन अब हाल फिलहाल में तीन ऐसे खतरनाक खिलाड़ी सामने निकल करके आ रहे हैं जो कि क्रिकेट ऑफ गॉड के इस रिकॉर्ड को जल्द ही तोड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो सचिन तेंदुलकर का वर्षों से बनाया हुआ ये विश्व कीर्तिमान जल्द ही टूट जाएगा और फिर एक नया खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ एक नया इतिहास रच डालेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने की रेस में वो तीन सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों, जो तीसरा बड़ा नाम निकल करके सामने आ रहा है वह है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अब तक कुल 215 मैचों में 48.91 की औसत से 8,658 रन ठोके हैं और इस दौरान रोहित शर्मा ने 27 शतक ठोके हैं तो 39 अर्धशतक भी लगाए हैं और उन्हें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मात्र 23 शतक और चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम बात करते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो दूसरा बड़ा नाम निकल करके सामने आ रहा है वह है हासिम अमला। साउथ अफ्रीका का यह दिग्गज बल्लेबाज हासिम अमला इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हासिम अमला ने 181 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 39.86 की औसत से 8,113 रन बनाए हैं, जिसमें इन्होंने 27 शतक इस दौरान ठोके हैं जबकि 39 अर्धशतक भी ठोके हैं और उन्हें भी सचिन के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महज 23 शतकों की जरूरत है। चलिए दोस्तों, आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस लिस्ट में चल रहे शीर्ष खिलाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला बड़ा नाम निकल करके सामने आ रहा है वह भारतीय वर्तमान कप्तान सलामी बल्लेबाज विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 237 मैच खेले हैं, जिनकी 228 पारियों में उन्होंने 49.40 की औसत से 11,286 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 41 शतक जबकि 54 अर्धशतक ठोक डाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि विराट कोहली को सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मात्र 9 शतकों की आवश्यकता है और वे जल्द ही इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं और ऐसे में मास्टर ब्लास्टर द्वारा बनाया गया यह विश्व कीर्तिमान विराट कोहली के नाम हो जाएगा और फिर से एक और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इस विश्व रिकॉर्ड का बादशाह बन जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों की इन तीनों खतरनाक बल्लेबाजों के बारे में क्या राय है और आप लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर